अमृतसर के अजनाला में कांग्रेस प्रत्याशी की जनसभा चल रही थी। इसी बीच गोलियों की आवाज से हड़कंप मच गया। गोली लगने से एक व्यक्ति घायल हो गया था, जिसे आनन फानन में अस्पताल में भर्ती करवाया गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने इसे आपसी रंजिश का मामला बताया है। पुलिस सीसीटीवी भी खंगाल रही है और एसएचओ का कहना है कि मामले की जांच के बाद कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दरअसल अमृतसर के अजनाला में कांग्रेस उम्मीदवार गुरजीत सिंह औजला की जनसभा थी। बताया जा रहा है कि रैली वाली जगह के पास शनिवार की दोपहर कुछ लोगों ने फायरिंग की घटना को अंजाम दिया और वहां से फरार हो गए। कांग्रेस उम्मीदवार गुरजीत सिंह औजला ने आप उम्मीदवार कुलदीप धालीवाल के रिश्तेदार पर गोली चलाने का आरोप लगाया है। औजला ने मांग की है कि पंजाब सरकार सत्ताधारी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं के हथियार जब्त करे। उन्होंने आरोप लगाया कि दहशत फैलाने और डराने के लिए फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया। उधर फायरिंग की घटना की जानकारी मिलने के बाद कांग्रेस के कई नेता मौके पर पहुंच गए।